चलो भाई ऑडिबल ठीक है। हेलो एवरीवन, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। रिप्लेसमेंट पे हमारी बात चल रही थी कल, हम लोगों ने रिप्लेसमेंट के कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया था। मुझे पता नहीं कि आप लोग कल थे मेरे साथ या नहीं थे। गुड इवनिंग एक बार आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। कल मैंने काफी अच्छी क्लास करी थी रिप्लेसमेंट की, और उसी रिप्लेसमेंट को कंटिन्यू आज मैं करूंगा आपके साथ में, और आज हम लोग काफी सारे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कशन करेंगे यहाँ पे। बस मुझे एक चीज आप लोगों से जाननी है कि आप लोग बोले थे मुझे ये बताइए कि अभी तक के जितने भी लोग यहाँ पर हैं मेरे साथ में, रेशियो आपको समझ आ रहा है ना बेटा? हाँ जी, रेशियो का जो मिक्सर रिप्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट है, ये आपको समझ आ रहा है ना बेटा? सभी बच्चों को ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी हो बिल्कुल आप बेझिझक पूछिएगा। जहां पर आपको जो चीज नहीं समझ में आए, मैंने आपको बार बार बोला भी है कि अपने डाउट्स जरूर पूछिए। कंटेंट को प्रैक्टिस करने के लिए मैंने आपको सोर्स बता ही रखा है, बार बार पूछना मत कि सर कंटेंट कहाँ से प्रैक्टिस करें, है ना? तो कंटेंट कैसे प्रैक्टिस करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। आरआरबी क्लर्क का एडमिट कार्ड अभी रिलीज हुआ है, तो आरआरबी क्लर्क के लिए मैं प्लान कर रहा हूँ आप लोगों के लिए रिवीजन नोट्स, अच्छे नोट्स बना रहा हूँ। ऐसे नहीं कुछ भी मार्केट से दे दूँ उठा के, नहीं, अच्छे नोट्स बना रहा हूँ, रिवीजन नोट्स। तो जल्दी ही मैं आप लोगों को रिवीजन नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। और आज हमारा दूसरा सेशन है रिप्लेसमेंट में। बस एक बात आपको याद रखनी, बेसिक फंडा है कि मिल्क और वाटर का रेशियो 5:4 है, और मैंने कहा 18 लीटर टेकन आउट, तो भी आपका मिल्क वाटर कितना रहेगा निकालने के बाद भी? सेम रेशियो, ठीक। ये बस आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, इसी कॉन्सेप्ट्स को आगे चलते हैं लेके। चलिए आइए, लेट्स हैव अ लुक एट द रिप्लेसमेंट कॉन्सेप्ट्स क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन आपके सामने, सर क्वांटिटी ऐप में टेस्ट परचेस करने पड़ता है, मैंने सब्सक्रिप्शन लिया, बट ऐसा हो नहीं सकता मुस्कान, ऐसा नहीं हो सकता। एक बार आप मुझे मैसेज करना, मैं आपको आपका देखूंगा क्या इशू आ रहा आपके उसमें आ रहा है, ऐसा है ही नहीं। चलो स्टार्ट, पहला क्वेश्चन, ऐसा तो होना नहीं चाहिए यार, कोई गलत चीज हो गई ना फिर, ठीक है? आ जाओ, पढ़ो ध्यान से पढ़ो। 75% मिलके 16 लीटर आपने निकाला, 14 लीटर आपने पानी मिल्क मिलाया, तो रेशियो बिकम्स इतना इनिशियली। कैसे बनाएंगे? पहले आपके पास 75% मिल्क है, मिल्क वाटर, तो रेशियो कितना हो गया? तब अब आपने 16 लीटर टेकन आउट, इसका मतलब क्या हुआ? मिल्क वाटर भी कितना होगा पीने की, अगर 16 निकाल रहे उसके बाद 14 लीटर मिल्क मिला रहे हैं, तो मिल्क वाटर बिकम्स क्या मिला रहे हैं, क्या मिला रहे हैं? मिल्क, तो पानी शुड बी इक्वल मल्टीप्लाई टू से, तो मिल्क वाटर, मिल्क वाटर आपने का मिल्क मिला रहे हैं, तो पानी आपका सेम हो गया, तो मिल्क कितना मिला रहे हैं? एक एक बराबर 14 लीटर, तो 6 और 2 8 बराबर 112। 112 कब है? जब 16 निकाल दिया, तो ओरिजिनली कितना हो जाएगा? 112 और 16, बताओ हाउ इज दैट, कमेंट फास्ट, जल्दी से बताओ, कोई डाउट है तो पूछिए, आसान है ना? 6 2 8 = 112, ये देखिए। कोई दिक्कत यहां तक है तो पूछिए एक बार और। प्रियंका, प्रियंका देखो, 75 मिल्क था तो बचा हुआ पानी होगा, यानी ये आपका रेशियो है मिल्क और पानी का। आपने 16 लीटर निकाल दिया, तो निकालने के बाद भी रेशियो तो सेम ही रहेगा। फिर मैंने कहा 14 लीटर मिल्क मिला दिया, तो रेशियो इतना हो गया। मिल्क मिला रहे हैं तो पानी सेम हुआ ही है,
सेम कर दिया, तो मिल्क कितना ऐड कर रहा हूँ, 1 इज इक्वल टू 14, 6 और 2 8, 8 इज इक्वल टू 112, तो यहाँ पे 112 है कब, जब 16 निकाल दिया, 16 जोड़ दिया। हरी अप फास्ट, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने। पच्चीस परसेंट पानी, 32 लीटर मिक्सचर निकाला, 28 मिल्क मिलाया, तो रेशियो बिकम 7:2। कैसे बनाएंगे पानी 25, सेम क्वेश्चन है, बस डेटा चेंज है, तो रेशियो कितना हो गया, तो जब 32 निकाल रहे हैं तो मिल्क वाटर 3 है, ध्यान देना। उसके बाद 28 मिल्क मिलाया तो मिल्क वाटर, तो इसका क्या मतलब हुआ कि पानी 1 है पानी 2 है, तो पानी शुड बी इक्वल, सेम क्वेश्चन था, तो पानी कितना मिला रहे हैं, 1 एक बराबर 28 लीटर, 6 और 2 8 बराबर 8। सही, ये हो गया। ये कब है, जब 32 निकाल दिया, तो ओरिजिनली कितना है, टू टू फोर, 4 2 6 3 8 2 5, 5। कोई डाउट है तो पूछिए, बिल्कुल बेझिझक होकर पूछिए, इजी है, ठीक है। मल्टीप्लाई 2 क्यों, क्योंकि बेटा पानी तो बराबर ही होगा ना, आप दूध मिला रहे हो, दूध मिला रहे हो तो पानी बराबर होगा। एक और, आज रिप्लेसमेंट पे आप बहुत कुछ अच्छा कर लोगे मेरे साथ, काफी सारे क्वेश्चंस आया रिप्लेसमेंट पे अच्छे कर लोगे। एक बर्तन है 240 लीटर का, मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो, 32 लीटर निकाल के 48 मिल्क मिलाया, तो व्हाट इज द रेशियो, कितना हो? तो सिंपल है, 240 है किस रेशियो में अवेलेबल है, आपने का मिल्क और वाटर, तो 7:3 का मतलब क्या हो गया, 7 और 3 या 10 की वैल्यू 1 बराबर 24, 24 × 7, और 24 × 72, अब वो कह रहा है कि 32 आपने निकाल दिया, 32 अगर टेकन आउट, तो सीधा सीधा करना था हमको, तो कुछ करने नहीं था कि 240 है उसमें से 32 निकाल दो, 202 208, इसकी भी जरूरत नहीं है, सीधा सीधा। सीधा आपने क्या कहा,
240 में से 32 निकालो तो 208 बचा, तो 208 भी किस रेशियो में होगा? 7-3 में ही तो होगा, लेकिन 10 की वैल्यू 1 बराबर 20.8, तो 20.8 मल्टीप्लाई 3 से, 7 8 56, 7 2 14, हाउस दैट। अब उसके बाद आपने 48 मिल्क मिला दी, 48 मिल्क जोड़ दो, 8 5 13, 4 4 8 और 1 9, 193.6 रेशियो। अब इसका रेशियो 4 4 16 33 4 8 4 4 4 1 4 22 4 5 4 6 4 1 4 2 8 4 1 4 3 4 9। बताओ आपको मैंने क्या बोला कि 240 अवेलेबल था, आपने कहा 7-3 में अवेलेबल। अगर आप 32 निकाल रहे हो तो जो बचेगा वो भी तो 7-3 में ही होगा ना, अभी तो यही पढ़ा था हमने कि निकालने के बाद भी रेशियो सेम रहता है। तो मैंने कहा 32 निकाल के साइड किया, ये हो गया, उसको बांट दिया कि निकालने के बाद ये है। फिर हमने दूध मिला दिया, दूध मिलाने के बाद ये चीज आ गई, पॉइंट मैंने कैंसिल आउट कर दिए, क्लियर हो गया। एक बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है यार, ये सबसे आसान कॉन्सेप्ट है सेजल, इससे आसान कॉन्सेप्ट और क्या होगा कि आपने सीधा 208 में से कैलकुलेट करके ऐड कर दिया। बताओ मैं गलत कह रहा हूं तो? दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, मतलब इस पे ऐसा कुछ नहीं है कि आपके लिए मैं अलग कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, बहुत हलवा कॉन्सेप्ट है ये। नेक्स्ट, एक और एक बर्तन है, प्योर लीटर प्योर मिल्क है, उसमें 50 लीटर पानी मिलाया तो रेशियो इतना हो। देखो हमारे पास प्योर मिल्क कितना है, 50 तो अगर आपने 50 लीटर वाटर ऐड किया तो रेशियो कितना हो गया? 5 बराबर 50 है, 5 बराबर 1 बराबर 10। बताओ इज इट क्लियर एवरीवन? तो आपने क्या कहा कि यहां पर जो मिल्क की मात्रा है वो 120 है और जो पानी है वो 50 है, 34 लीटर आपने निकाला। चौंतीस निकाला तो किस रेशियो में अवेलेबल है? इसमें अवेलेबल है तो उसके बाद भी क्या होगा? और 20 लीटर पानी मिलाया तो नया रेशियो, तो आप थोड़ा फंडामेंटल तरीके से करना पड़ेगा। अब 12 5 है तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि 34 निकाल रहे हैं, ध्यान देना, तो 34 निकाल के सीधे माइनस कर लो,
कितना हुआ, 34 सीधा निकाल दो ना, 10 में से 4 गया, 6 ही सही है, 86 तो बचा, 170 है, सॉरी। वन सेवेंटी में से 34 गया, 136, 136 किस में अवेलेबल है, 12-5 नहीं होगा, 12-5 17 की वैल्यू 1 = 8 यानी 40, 96। फिर हमने क्या किया, 20 लीटर पानी मिला दिया, ये देखो तो नया रेशियो क्या हो गया, 96 मिल्क है, 6 × 6 = 36, 6 × 10 = 28। बताओ फास्ट, कोई डाउट है तुरंत पूछो। देखो प्योर मिल्क था, जब पानी मिलाया तो ये रेशियो हुआ, तो पानी कितना मिला रहे हैं, 50, 5 = 50 है, 5 = 50 है, ठीक है, 5 = 50 है, तो 1 = 120, 120 और 50 170, 170 में से 34 निकाला तो इतना बचा, वो रेशियो भी किस में होगा, इसी रेशियो में होगा, 96:40, 20 मिला दिया ये 60 हो गया। निहारिका बताओ क्या चीज इसमें कंफ्यूज कर रही है आपको, बताओ। अब मुझे बताओ सर, मुझे ये चीज कंफ्यूज कर रही है। भाई आपने सीधा सीधा क्या बोला कि मिल्क हमारे पास प्योर था, तो 50 लीटर मिलाने के बाद ये रेशियो हुआ, तो 5 = 50 120, तो पूरा मिक्सचर तो 170 का हो गया ना, 170 में से 34 निकाला तो 136, 136 को 12-5 में डिस्ट्रीब्यूट किया तो ये आ गया, इसमें 20 पानी मिला दे तो पानी 60, ये मिल्क दोनों का रेशियो। मल क्वेश्चन से आप इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, ठीक है, एक और, वन मोर, रुको रुको एक और देखो, आप एक कॉन्सेप्ट पकड़ो, निकालने के बाद भी रेशियो सेम होता है, ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में सेट कर लो, फिर कभी दिक्कत नहीं होगी। आओ एक बार बस रीडिंग करो, आप रीडिंग में आप टाइम वेस्ट कर रहे हो मुझे ऐसा लगता है। एक कंटेनर है जिसमें मिक्सचर है, दो लिक्विड, हनी और वाटर, एक हनी है एक वाटर है, इन द प्रोपोर्शन, ठीक है, 18 लीटर मिक्सचर रिप्लेस किया, 18 लीटर टेकन आउट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हनी और वाटर कितना बचेगा, ये तो बचेगा, अगर आप 18 निकाल रहे हो तो हनी और वाटर यही बचेंगे, हाँ या ना, है ना, और रिप्लेस किससे कर रहे हो, पानी से कर रहे हो, तो रेशियो इतना हो गया। अब रेशियो कितना हो रहा है, सी आप मिला पानी रहे हो, है ना, आप क्या मिला रहे हो उसके बदले पानी मिला रहे हो, पानी मिला रहे हो Which means हनी शुड बी इक्वल, हनी तो बराबर है, तो पानी कितना मिला रहे हो, 6 = 18 लीटर, 1 = 3 लीटर, 1 = 3 तो 11 और 7, फिर
54 कब है, जब 18 निकाल दिया तो यहां पे बताओ कोमल के नहीं, पर बेसिक से बताता हूं। पहले ये समझ आ गया कोमल? कोमल ये समझ आ गया? बेसिक से भी बता रहा हूँ, मुझे पता है कि तुम लोगों दिमाग में आ रहा होगा कि बेसिक्स भी बहुत जरूरी है ना। बेसिक मेथड बिल्कुल बेसिक बताता हूं, एक्स मान के बेसिक बिल्कुल एक्स मान के आप कहोगे कि मान लो जो आपका हनी है वो 11x है और जो वाटर है, किताबों में आपको ऐसे मिलेगा, तो कहेगा कि 18 लीटर टेकन आउट, तो इसका मतलब ये हुआ कि 11x में से 18 का कितना भाग जा रहा है, 11/7 18 भाग जा रहा है, 7x में से 18 का 7/18 भाग जा रहा है, फिर आपने क्या किया, पानी मिलाया, 18 लीटर पानी मिलाया, तो रेशियो बिकम्स 11:1। ये देखिए, ये इसका बेसिक मेथड है, आप सॉल्व करेंगे। सॉल्व जैसे ही आपने किया, ये देखिए, समझ आ रहा है आपको, इतना बकवास मेथड है। इलेवन या मल्टीप्लाई 13x, बताओ, मैंने आपने पूछा मैंने बता दिया, x की वैल्यू 4 आ गई, तो हनी कितना हो जाएगा 44, ये 28, तो पूरा मिक्सचर। तो ये वाला मेथड से ज्यादा अच्छा यही वाला मेथड है कि आपने क्या कहा, हनी वाटर इस रेशियो में अवेलेबल है, फिर आपने 18 लीटर का मिक्सचर निकाला, तो निकालने के बाद भी रेशियो सेम रहेगा, और बाद में जब आपने पानी मिलाया तो रेशियो ये हो गया। तो मैंने कहा पानी कितना मिला रहे हो आप, 6 मिला रहे हो, 6/18, 1/3, 18/54, 54 का जब 18 लीटर निकाल दिया दोनों को लोग। अरे अब फास्ट डन 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 डन, चलिए वन मोर। एक और मैं आज आपके पूरे रिप्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूंगा, आज मेरा बस यही मकसद है। हनी और वाटर, चौवन लीटर मिक्सचर आपने निकाला, तुम कितना हो गया,
उसके बाद 54 लीटर आपने पानी मिला दिया तो रेशियो बिकम्स इतना। तो पानी कितना मिला आपने, 6 बराबर 54, 1 = 9, 11 और 7। वन सिक्सटी टू कब है, जब 54 निकाल दिया। Done. How's that? Next. अठारह से मल्टीप्लाई क्यों किया बेटा, यहां पर आपके पास मिक्सर है ना, हनी वाटर यहाँ पर कितना, 18 ही तो है। 18 की वैल्यू कितनी, अगर 6 यूनिट की वैल्यू इतनी है तो एक की इतनी, 18 की इतनी वैल्यू हो गई। ये 162 वैल्यू कब है, जब आपने 54 निकाल दिया, तो यहाँ पर कितना होगा, 216। शिवानी क्लियर है? आप में से कितने लोग हैं जिनको रिप्लेसमेंट आ रहा है समझ में, एक क्वेश्चन पक्का आएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको इस क्वेश्चन की। चलो एक और आ जाओ, सेम चीज है। एक बकेट है ए और बी इन द प्रोपोर्शनेट, अठारह लीटर मिक्सचर इज रिप्लेस्ड तो भी ए और बी कितना बचा, तो 18 आपने बी मिला दिया तो रेशियो कितना हो गया, 3:5। तो आपने क्या मिलाया, बी मिलाया, तो ए शुड बी इक्वल ना, 3 से ए को बराबर करेंगे। चार इज इक्वल टू कितना है, 18 मिला रहे हो आप, 1 = 18/4 है, तो ये पूरा मिक्सचर कितने का है, 36 का, 36 इज इक्वल टू, कब है, जब 18 आपने निकाल दिया तो यहां पे कितना हो जाएगा, ये वाला मिक्सचर हो गया 180 का। अब ये 180 नहीं पूछ रहा है, बोल रहा है कि हाउ मेन लिक्विड बी कितना है, ये कितना है, तो लिक्विड बी कितना है, 7/12 है। मेन फास्ट एवरीवन फास्ट, बोलो यार कुछ तो बोलो, क्लियर है सारे कॉन्सेप्ट्स में, आपको बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ। मेरे को पता है कि रिप्लेसमेंट आज का सेशन अगर दिमाग में सेट हो गया, मुझे जरूरत नहीं फिर आगे, आपकी आगे आपको जरूरत नहीं है फिर, आप बड़े आराम से फिर घुमाएंगे, जब मेंस लेवल पढ़ाऊंगा तब देखना और मजा आएगा। चलो सेम क्वेश्चन है, बस डेटा चेंज किया है मैंने।
एक बकेट है जिसमें मिक्सचर है दो लिक्विड ए और बी इन प्रोपोर्शनल पास। थर्टी सिक्स लीटर इज टेकन आउट, तो ए और बी कितना हो जाएगा? पांच सात। फिर आपने मिलाया इसमें 36 लीटर, तो हमारा 3 5 हो गया। तो क्या कह रहा है, 36 मिलाया आपने ना, क्या मिलाया आपने 36, बी मिलाया, तो ए शुड बी इक्वल 3 5। ये देखो तो कितना मिला रहे हैं, 4। 4 इज इक्वल टू 36, 1 इज इक्वल टू 9, तो ये कितना है, 36 इज इक्वल टू 324। कब है, जब 36 निकाल दिया, तो यहां कितना हो जाएगा, 360। इस 360 में बी कितना आएगा, how's that? फास्ट। सारे क्वेश्चंस आप एक तरीके से देख रहे हो, मैं एक मेथड से इंप्लीमेंट सारे क्वेश्चन करा रहा हूं सर पीओपी में, भाई ऐसे ही आएंगे, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। अब बताओ, अब अच्छे से समझ आया कि नहीं आया? तो चलिए अब 10 सवाल जो होंगे थोड़ा एक्सपेरिमेंट करेंगे हमने, अब थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करें, चलो थोड़ा सा लेवल भी इंक्रीज करेंगे, बनाइए थोड़ा और धीरे धीरे करके, एकदम एकदम धीरे धीरे। एक मिक्सचर है मिल्क वाटर का 5:3 में, अस्सी लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट, मिल्क वाटर 5:3 हो गया। कह रहा है कि 8 लीटर प्योर वाटर इज एडेड, तो अगर 8 आपने पानी मिलाया तो पानी बिकम्स 40। अच्छा पानी बिकम्स अगर 40 तो ये 60-40 हो जाएगा, क्यों, विच मीन्स रेशियो विल बिकम 3:2।
कोई दिक्कत तो नहीं ना, 3-2 कहाँ से आया, कि पानी जो है वो 40 हो गया तो मिल्क हो गया 60। अब आपने क्या किया, हमने पानी मिलाया, तो पानी मिलाने के बाद दूध इक्वल होना चाहिए, तो ये 3 से मल्टीप्लाई, ये 5 से, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, सी एवरीवन। तो आपने कहा पानी कितना मिला रहे हो आप, 1 मिला रहे हो, पानी मिला कितना रहे हो, 8, 1 इज इक्वल टू 8, तो इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर सी 24 इज इक्वल टू, ये हो गया, इसमें 80 और जोड़ दो, बताओ। हरी अप फास्ट, थ्री टू कैसे, कौन सा 3-2 कैसे, ये देखो ना, बड़ा बताओ, मैं आपसे क्या बोला, 5-3 है, 3-2 कैसे आया कि वाटर जो है वो 40 हो गया तो मिल्क हो जाएगा 60। नहीं क्लियर हो बच्चे, 3 और 5 से बैलेंस किया ये दोनों, इसका ये पूरा आपके पास, अब ये है और अब ये है, तो मिल्क आपका इक्वल हो गया, पानी 1 मिला रहे 8 के बराबर, 15 और 9 24, ये वैल्यू 192। 192 कब है, जब आपने 80 निकाल दिया, 80 जोड़ दो फास्ट, वन मोर, ये मैंने यूट्यूब पे भी कराया था शंकर जी, मुझे याद आ रहा है, एक वैसल है दूध पानी के साथ, एक में टेन परसेंट मिक्सचर इज रिमूव, मिल्क वाटर 6 लीटर पानी मिला दिया, तो रेशियो बिकम्स 6 लीटर पानी मिलाया, दूध बराबर होना चाहिए, तो पानी कितना मिला रहे हैं, 1 1 = 6 लीटर, 1 = 6 लीटर मतलब 42 और 6 48 बराबर, ये हुआ। अब फाइंड द ओरिजिनल क्वांटिटी, ये कब है, जब 10% निकाला हमने, ये तब है 288, जब हमने 10% निकाला, विच मीन्स दिस इज द वैल्यू ऑफ 90%, सी, तो 9 3 27, 9 2 18, 100% की वैल्यू, तो इनिशियली कितना है सर, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले तो मुझे ये, हाउ मेनी ऑफ यू आर सेइंग कि सर कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर नाउ, क्लियर है,
क्लियर क्लियर क्लियर, एक बार हाँ या ना बोलो। ठीक है, नेक्स्ट एक और सेम 20% है। डाउट पिक करूंगा, चिंता मत करो, लास्ट में पिक करूंगा। एक बर्तन है, वाइन वाटर, ट्वेंटी परसेंट इज रिमूव्ड। तो इसका मतलब क्या हुआ, वाइन और वाटर इतना बचा, तो 12 लीटर पानी मिला दिया, रेशियो भी कम से कम। तो 12 लीटर पानी मिला दिया, पानी मिला रहे तो वाइन और शुड बी इक्वल, मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 7। ये आपने एक मिलाया, किसके बराबर है, 12 लीटर, तो इट शुड बी इक्वल टू 576 कब है, जब 20% रिमूव्ड है, तो विच मींस दिस इज द 80% वैल्यू, 100% will be 8 7 56 8 2 16। हाँ, संगीता का डाउट है, संगीता हैंड रेज करो। अब जिसके भी डाउट्स हैं, एक बार अब मैं आपके डाउट सुनना चाहता हूँ कि अब तक के लेक्चर में क्या डाउट्स हैं, बताइए संगीता। 12 x 48 अमीर, मैंने क्या कहा, मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, मैं तो एक आपको एक बेसिक चीज बता रहा हूँ कि ये वाइन है और ये पानी है, अगर आपने 20% निकाला तो ये इतना रह गई, फिर आपने कहा ये इतना हो गया, तो मैंने कहा वाइन शुड बी इक्वल, जब पानी मिला रहे हैं तो बराबर कर दिया, फिर मैंने कहा एक अब पानी मिला रहे रेशियो में, एक बराबर इतना है, तो इस दोनों का सम 48 हुआ, 48 का बराबर ये हो गया। ये कब है, जब 20% निकाला, यानी 80% की वैल्यू 100 की वैल्यू आ जाएगी। बताओ ना, आप कंफ्यूज मत होइए इतना, कि कुछ रटने की कोशिश मत करो। आप कुछ रटने की कोशिश मत करिए सर, समझ रहे हो ना, रटो मत कुछ भी, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अगला, रटोगे तो बड़ी दिक्कत होगी, दिल की आज पहली क्लास है, उनको भी समझ में आ रहा होगा मेरे हिसाब से। तो अमनदीप, स्टडी मटेरियल के बारे में बताओ भाई इन लोगों को, कि अरुण सर की ऐप है, मैथ्स का अरुण सर ऐप, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो और आपको वहां पे सारा कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है।
ratio of milk and water in a mixture is 5:4. 45 liter is taken out. तो इसका मतलब मिल्क वाटर कितना होना चाहिए? पंद्रह लीटर पानी मिला है तो क्वांटिटी, अब देखो, अब यहां पे सुनना, अच्छा सवाल है। जब 45 निकाला तो मिल्क कितना हो गया? 5x, पानी कितना हो जाएगा? 4x। 15 लीटर आपने पानी मिला, अच्छा 15 आपने पानी मिला दिया, मिला मिलाने के बाद मिल्क 4 लीटर ज्यादा है पानी से, 4, तो मिल्क के 5x पानी हो जाएगा, ये हो गया 4, 5 में से गया 4x, तो x की वैल्यू आ गई 19। तो इसका मतलब यहां पर मिल्क कितना है? 95। और यहां पर कितना मिल्क कितना है? 95। और ये 19 4 76, ये है कब? जब 45 निकाल दिया तो इनिशियल जोड़ दो, 6 5 11, 5 और 1 6 17 और 4 21। बताओ रेशियो से, रेशियो ही देखो, फिर वही हुआ, तुम बस यही तो तुम्हारे अंदर कमी है। तुम रट्टाफिकेशन मेथड की तरफ जाओगे ना तो ऐसी होगा। मैंने रेशियो इतना समझ आ गया था, 5 4 मिल्क, 5 4 है। अब देखो, अब क्या हुआ, मिल्क इसमें आपने 15 पानी मिलाया। अभी तक क्या दिक्कत हो रही थी कि रेशियो गिवन था या रेशियो नहीं गिवन है? 15 लीटर वाटर ऐड किया तो जो मिल्क है वो माइनस पानी 4 हो गया, ये तो कह रहा है वो, यही तो कह रहा है कि जब आपने 15 लीटर पानी मिलाया तो इनका डिफरेंस 4 है। सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर आप पानी नहीं मिलाते तो डिफरेंस नहीं आता। तो अभी डिफरेंस कितना है? अभी इनके बीच का डिफरेंस अभी 1 है, अभी डिफरेंस 1 है। और डिफरेंस 4 कब हो रहा है? जब 15 मिला रहे हैं तो 4 में 15 और जोड़ दो तो इसका मतलब 1 बराबर यहाँ पे 19 होगा, सही है? 1 बराबर 19, तो ये 95 है और ये 76 है। कब? जब 45 निकाल दिया, 45 जोड़ा 216। अब भी समझ नहीं आया? पढ़ो ना, मिल्क बिकम 4 लीटर मोर देन पानी, मिल्क 4 लीटर ज्यादा है। यहाँ रेशियो नहीं गिवन है, यहाँ पे वैल्यू गिवन है। पूजा ध्यान से पढ़ो, देखो पूजा मैं इसलिए तो बोलता हूँ, फोकस फोकस नहीं कर रहे हो तुम लोग। नहीं आया समझ में? क्या नहीं आया? आपने बोला कि मिल्क और पानी 5:4 है, फिर मैंने क्या बोला आपसे कि हमने 45 निकाल दिया, फिर मैंने आपसे क्या बोला? यही तो बोला ना मैंने आपसे, मैंने कहा 45 निकाल दिया तो निकालने के बाद भी क्या होना चाहिए? क्यों बताओ, निकालने के बाद भी यही होना चाहिए। अब बोल रहे कि 45 जब आपने निकाला तो 15 आपने पानी मिलाया, अगर मैंने वाटर ऐड किया 15 लीटर तो मिल्क और रेशियो होना चाहिए था, लेकिन रेशियो नहीं गिवन है। आपकी बार, आपकी बार बोला कि मिल्क जो है वो 4 लीटर ज्यादा हो गया, तो मिल्क माइनस पानी 4 है। कब? 4 कब है? जब आपने 15 ऐड किया, 15 ऐड नहीं करोगे तो 4 डिफरेंस नहीं होगा, ज्यादा होगा। कितना होगा भाई? यहां पर देखो, यहां पर डिफरेंस 4 है, जब 15 मिला रहे हैं तो 15 से पहले डिफरेंस 19 नहीं होगा? बोलो भाई, जब आपने 15 पानी मिलाया तब डिफरेंस 4 हुआ, अगर 15 पानी नहीं मिलाते तो डिफरेंस पहले कितना होता? 19।
वही तो मैंने बोला कि मिल्क और पानी का जो डिफरेंस वो 5-4 है, तो यहाँ पे डिफरेंस 1 = 19 हुआ, 5 और 4 9 = 171 का मैं जो 45 निकाल दिया, 45 जोड़ दिया, अब तो क्लियर हो गया सर, अब तो क्लियर हो गया सभी को, रिप्लेसमेंट आ रहा है समझ में, बहुत अच्छे। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा लेवल धीरे धीरे ही लेवल बढ़ाएंगे भाई, है ना, धीरे धीरे ही बढ़ाएंगे। नहीं वाह, ना 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 भाई, बहुत नॉर्मल है यार, नहीं। कितने लोगों ने इस क्वेश्चन को पढ़ा और ऊपर से निकल गया, आ जाओ, करिश्मा ने आंसर किया है, आई लेट्स हैव अ लुक एट द हैंड रेस, हैंड रेस करो कोई भी आप में से, एनीवन कोई हैंड रेस करेगा, चलो। हाँ जी, नहीं हुआ आपसे क्वेश्चन, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, नहीं हुआ सर वो मुझे ना कुछ पूछना था, क्या वो ये जो क्लास चल रहा है ना इसमें प्री टू मेंस तक का प्रिपरेशन हो जाएगा आप, जाहिर सी बात है बिल्कुल, आप प्री अभी तैयारी कर रहे हो, प्री के बाद फिर मेरा सर? मेंस अभी का हम भी ट्वेल्थ का एग्जाम देने में हैं, एग्जाम तो नहीं दे अच्छा। सकते ना, देन वो मेरा हाँ तो अभी आप बहुत अपना वीक तैयारी करो, मैथ्स बहुत वीक है मेरा, देन स्ट्रांग करने के लिए कुछ ऑप्शन मार्केट में जाने की दवाई आती है भाई, सर बताइए ना। कॉमन सेंस से प्रैक्टिस। देखो सीधी सी बात है, आप फर्स्ट ऑफ ऑल देखो क्या चीज होती है, आपको अपना एक सिलेबस कंप्लीट करना होगा, सिलेबस कंप्लीट करने के बाद हमें उस पे प्रैक्टिस करना है, आपको क्या आता है, कहाँ से बोल रहे हो आप? सर हम ये नो झारखंड बाबा धाम पर, तो तो मैं आप वहां से मुझे बोल रही बताइए कि मान लो मैं आपसे पूछूंगा कि आपको कोई मुझे लैंग्वेज सिखानी है, तो आप मुझे क्या बोलोगे कि भाई प्रैक्टिस करो, इसको 2-3 बार बोलो, ऐसी तो आप सीख जाओगे, ऐसी तो होगा ना? तो मैं भी आपसे वही सर। बोल रहा हूँ कि मैथ्स बेसिकली कोई टफ सब्जेक्ट नहीं है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए क्या होता है, किसी भी एग्जाम को, आप बैंक की बात कर रहे हो, मैं तो यूपीएससी का भी आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कि आप सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट कीजिए, ठीक है? सिलेबस के आप प्रॉपर नोट्स बनाइए, जैसे मैंने आपको ये क्वेश्चन करा दिए, इन क्वेश्चन को आप लिख के पूरा का पूरा एक नोटबुक बना दी, बना दिया आपने, उसके बाद आप क्या कीजिए, उसके बाद एक पहले आपने किया फाउंडेशन बैच, फाउंडेशन बैच में आपने फाउंडेशन क्लास करी, उसके बाद आप करोगे प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करने के लिए आप मेरे यूट्यूब पर आओ, मैथ्स बायरन सर यूट्यूब सर्च करना, आपको मिल जाएगा, ठीक है? ये सर मैंने आपको यूट्यूब से ही देख के फॉलो कर रहा है यहाँ पे।
तो YouTube पे आप आए, वहां प्रैक्टिस की, उसके बाद आपको क्या करना है, मैंने खुद बच्चों के लिए मॉक भी तैयार किए हुए, बच्चों के लिए टॉपिक वाइज मॉक बना रखे हैं, तो बस आप वो करते चले जाएंगे। बैंक एग्जाम छोड़िए, आप कोई भी बैंक एग्जाम देंगे सारे निकल जाएंगे। एक सिस्टमैटिक है, देखिए क्या होता है ना, चीजों का एक सिस्टम होता है। जैसे आप मुझसे पूछोगे सर मुझे डॉक्टर बनना है, तो मैं आपको सिस्टम बताऊंगा कि पहले ये करो पहले वो। तो आज आप मुझसे बात कर रहे हो, सब कुछ आज नहीं होगा, आपको एक फनल के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, एक सिस्टम के साथ जाना पड़ेगा कि सबसे पहले तो मैं अपना फाउंडेशन क्लियर करूं। ठीक है मैम? सर मैथ्स थोड़ा, हाँ मैथ ना मेरा थोड़ा वीक सब्जेक्ट है, देन होता है ना, आप बताते हो वो बनता है मेरे से, मैंने आप बताते हो फिर मैं खुद प्रैक्टिस करती हूँ, बट जब बुक से बनाने का ट्राई करते हैं तो बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन होता है। रीजन आने के बाद उसकी प्रैक्टिस नहीं है, उस पर मॉक वगैरह टॉपिक वाइज प्रैक्टिस नहीं किया है, जब ये सब हो जाएगा आप मुझसे खुद कहोगे सर मेरा सिलेक्शन हो गया। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। चलो आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन नहीं बना आपसे जो मैं अभी डिस्कशन कर रहा था, नहीं बना? यस सर बना, बना रहे। चलो ठीक है, नहीं मैं बनाऊं, मैं इसका आंसर बताता हूं, बाकी लोग इसको देखे कैसे करेंगे। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत नॉर्मल था, एक मिक्सचर है जिसमें दूध पानी है इस रेशियो में। तो आपने कहा कि भाई दूध और पानी है, ये देखिए अगर हमने 525 निकाल दिया उट, तो भी हमारा दूध पानी कितना रहना चाहिए? ठीक है सर, सही है, यहां तक क्लियर है सभी को? एक बार हाँ या ना बोलो सर, यहां तक तो ठीक है, यहां तक तो हमने भी किया। उसके बाद बोल रहा है कि 44 ml पानी मिला रहा हूं, ये चीज मिला रहा हूं 44 और ये चीज मिला रहा हूं 106, तो रिजल्ट जो हुआ वो 13-12 हो गया। अब इतना क्वेश्चन नॉर्मल था, तो मान लो कि ये चीज 11x है यहाँ पर और ये चीज 14x है, ऐसे बोल दो, तो आपने अगर ये 106 मिलाया तो इसको 44 मिला रहे हो, तो मिल्क और वाटर दिस 13:12, या तो इस पे लगा दो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, या तो लगा दो क्रॉस प्रोडक्ट या तो एक्स, जो उनसे आपको बेस्ट लगे, एक तो ये तरीका हो गया, या फिर आप लगा दो क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट क्या बोलता है कि मिल्क वाटर, ये देखिए ये आपने 106 मिलाया, ये आपने 44 मिलाया, तो रेशियो बिकम्स, बताया था मैंने क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। अब देखो तो क्रॉस जैसे मर्जी आप ऐसे कर लो, ये क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे कर लो और ये फिर डिफरेंस आगे निकल जाएगा, या फिर आप ये नहीं समझ आया तो वही बेसिक देख लो, इसको x मान लो, ये देखो तो रेशियो बिकम्स, सही है, डन। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई 12 × 11 = 132, 1272, 13×14 = 182x, 13×4 = 44 कितना हो जाएगा 572। तो क्या करेंगे, ये और ये इसको यहां ले आओ, 12 में से 5 गया 700, 0 8 में से 3 गया 50x, तो x = 14। तो इसका मतलब क्या हुआ, फाइंड द परसेंटेज ऑफ मिक्सचर टेकन आउट, तो यहाँ पे मिक्सचर है कितने का 30, 25 × 40, थ्री फिफ्टी का मिक्सचर है, हाँ या ना बोलो, 350 कब है, जब आपने 525 निकाल दिया तो इनिशियली कितना मिक्सचर था, तो कितने परसेंट आपने मिक्सचर निकाला, बताओ, तो
पच्चीस दूनी पचास, पच्चीस ही कम, पच्चीस तिया पचहत्तर, पच्चीस सात तिया इक्कीस, सेवन फाइव जा फाइव से 60%। कहाँ कंफ्यूज हो गए थे आप लोग? आपको मैंने सिंपल बोला कि 1114 है, अगर 525 निकाल रहे हैं तो भी 1114 होगा, ये इतना मिला रहे इतना मिला रहे, तो मैंने कहा इसको x मान लो, इतना मिला रहे बराबर कर दिया, यहाँ से x निकाल दिया, यहाँ पे रखा हमने कि ये 25 × 14 350, 350 कब है, जब इतना निकाल दिया तो इसका मतलब ये इतना हो गया, ये इतना निकाल रहे हैं, कितना परसेंट है? 60%। देन चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन ये वाला, एक दो तीन चार, बस ये चार क्वेश्चंस मैं आपको घर के लिए दे रहा हूँ, कल मिलेंगे चार क्वेश्चंस के साथ। आज का सेशन कैसा लगा आपको पहले तो ये बताओ, बढ़िया लगा, मजा आया? ठीक है, रिप्लेसमेंट जितने में करा रहा हूँ इसको पढ़िए, इसके बाद फिर मेंस के भी रिप्लेसमेंट कराऊंगा। पहले तो देखो मैं क्या करता हूँ, दोनों को एक साथ नहीं करता हूं कि प्रीवियस बैच में मेंस भी इस बैच में नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू क्लियर योर टॉपिक्स, यू क्लियर योर कॉन्सेप्ट, आप प्री वाला फेज कंप्लीट करो, देन वी विल स्टार्ट द मेंस आल्सो। क्यों, गलत तो नहीं कह रहा हूं? ठीक है चलो, अरुणोदय 3.0 में मैंने टॉपिक वाइज मेंस पढ़ाया है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है चलो, जय हिंद साथियों, सेशन को करूंगा समाप्त, अब मुलाकात होगी 7 बजे। 7 बजे की क्लास में कितने लोग आएंगे पढ़ने? आज मेरे हिसाब से सबको आना चाहिए 7 बजे की क्लास में। ठीक है, मैं लिंक शेयर करता हूँ 7 बजे की क्लास का। चलो डन, ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड बाय, थैंक यू।